सेक्शन 105 में लीज को पढ़ते समय हमने ये जाना कि लीज में राइट ऑफ एंजॉयमेंट का ट्रांसफर होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास। लीज में दो पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक लेजर और दूसरा लेजी। सेक्शन 105, 106 और 107 को हमने इस वीडियो में कवर किया है विथ प्रॉपर नोट्स एंड एग्जांपल्स। तो अगर आप वीडियो में नए हो तो इस वीडियो को पहले देख लो, तब ये जो सेक्शन है 108 वो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल होने वाला है, आप वीडियो में एंड तक बने रहो। इस वीडियो में हम सेक्शन 108 को कवर करेंगे जो कि राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ लेजर एंड लेजी को डिस्क्लोज करता है। हम जानते हैं कि लीज के तहत दो पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक लेजर और दूसरा लेजी। अगर दोनों पार्टीज के बीच कोई रिटन अग्रीमेंट नहीं है जो कि उनके राइट्स एंड लाइबिलिटीज को डिस्क्लोज करता हो, और इफ देयर इज नो लोकल यूसेज कि दोनों पार्टीज का राइट्स एंड लाइबिलिटीज क्या होगा एज पर लोकल यूसेज, तो वैसे कंडीशन में सेक्शन 108 में मेंशन राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ लेजर एंड लेजी विल बिकम एप्लीकेबल, वही एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, इन एब्सेंस ऑफ एनी रिटन अग्रीमेंट, अगर कोई रिटन अग्रीमेंट नहीं है, कोई लोकल यूसेज नहीं है, तो राइट्स एंड लाइबिलिटीज विच हैव बीन मेंशन इन सेक्शन 108 वो क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। डिटर्मिनेशन ऑफ लीज को भी पढ़ते समय हमने जाना था कि कुछ लीजेस के केसेस में उनका ड्यूरेशन क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, वो लोकल यूसेज और कस्टम निर्धारित करते थे। सेम उसी एस्पेक्ट को अगर हम यहां फॉलो करें तो अगर दो पार्टीज के राइट्स एंड लाइबिलिटीज मेंशन नहीं करे गए हैं एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू लीज अग्रीमेंट और कोई लोकल यूसेज या कस्टम भी नहीं है जो उनके राइट्स एंड लाइबिलिटीज को मेंशन करे, तो वैसे कंडीशन में सेक्शन 108 के तहत जो भी राइट्स एंड लाइबिलिटीज दिया गया है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में, वही उन पर एप्लीकेबल होगा। आई होप कि बैकग्राउंड आप समझ गए होंगे। अब सेक्शन 105 जहां लीज को डिफाइन करता है, वही सेक्शन 108 लीज में जिन दो पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट होता है उनके राइट्स एंड लाइबिलिटीज को मेंशन किया गया। सेक्शन 108 को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। क्लियर, पार्ट ए में लेजर के राइट्स एंड लाइबिलिटीज को बताया गया है, वही पार्ट बी में लेजी के राइट्स एंड लाइबिलिटीज को बताया गया है। हालांकि पार्ट ए जो कि राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ लेजर के बारे में बात करता है, यहां केवल लेजर के लाइबिलिटीज को मेंशन किया गया है। ओनली लाइबिलिटीज ऑफ लेजर हैव बीन मेंशन्ड इन पार्ट ए ऑफ सेक्शन 108। आप अपने अंडरस्टैंडिंग से लेजर के राइट्स को जान सकते हो, कैसे,
पार्ट बी में लेजी के जो भी लाइबिलिटीज हैं वो क्या होंगे, लेजर के राइट्स हो जाएंगे। क्लियर है? ओके, तो पार्ट बी में लेजी के राइट्स और लाइबिलिटीज दोनों को बताया गया है, और लेजी का जो लाइबिलिटीज हैं वही लेजर का राइट्स हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो, तो यहां नोट में आप वही बात लिखोगे कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लोकल यूसेज नहीं है जो कि राइट्स एंड लाइबिलिटीज को डिस्क्लोज करता हो, तो वैसे कंडीशन में सेक्शन 108 में मेंशन जो भी राइट्स एंड लाइबिलिटीज हैं वो एप्लीकेबल होंगे। इसमें आप हाईलाइट कर सकते हो ताकि एग्जामिनर का जो फोकस पॉइंट है वो इस चीज पे पहले पड़े। ऑलराइट, ओके, आइए अब हम पार्ट ए में लेजर के जो भी लाइबिलिटीज हैं उन्हें समझते हैं। एकदम सिंप्लीफाइड करके यहां पर लिखा गया है, तो अगर आपको एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दें। देखो यहां तीन क्लॉजेस हैं, क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी। क्लॉज ए सेक्शन 108 पार्ट 1, ऑलराइट। देखो ये क्या है, बेसिकली लाइबिलिटीज हैं किसके, लेजर के। देखो लेजर इज बाउंड टू डिस्क्लोज एनी मटेरियल डिफेक्ट टू लेजी विच cannot be easily discoverable by him or by any other person। सबसे पहला जो liability है लेजर का वो ये है कि अगर उसके immovable property में कोई material defect है जो आसानी से discover नहीं किया जा सकता है लेजी या दूसरे पर्सन के द्वारा, तो ये लायबिलिटी है लेजर का कि वो उस मटेरियल डिफेक्ट को लेजी के सामने डिस्क्लोज करे। क्लियर? दूसरा लायबिलिटी क्या है लेजर का, लेजर इज बाउंड टू डिलीवर द पोजेशन ऑफ लीज प्रॉपर्टी एट द रिक्वेस्ट ऑफ लेजी। लेजर बाउंड है लीज अग्रीमेंट के तहत जिस दिन इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन डिलीवर होना है लेजी के पास, अगर लेजी रिक्वेस्ट करता है तो लेजर इज बाउंड टू इमीडिएटली ट्रांसफर द पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू लेजी। होप सो क्लियर हो गया होगा। अब देखो तीसरा क्या है, क्लॉज सी, लेजर शुड नॉट इंटरप्ट लेजी रिगार्डिंग हाउ टू यूज लीज प्रॉपर्टी। अब जो लेजर है उसे इंटरप्ट नहीं करना है लेजी को, उसे बार बार ये नहीं करना है कि आपको कैसे इस इमूवेबल प्रॉपर्टी का यूज करना है। यहां पे जो राइट ऑफ टेकिंग यूसेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी से लेजी कैसे यूज में ला सकता है, किस तरह से वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का यूज करेगा, वो टोटली लेजी के विल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। क्लियर? और ये जो सिनारियो है कि लेजर इंटरप्ट नहीं करेगा, जो लेजी है वो जैसे मन करे वैसे प्रॉपर्टी को यूज में लाएगा, ये तभी तक एप्लीकेबल है जब लेजी अपने एंड से सही तरीके से लीज अग्रीमेंट का एग्जीक्यूशन करता हो, यानी प्रॉपरली वो रेंट का पेमेंट करता हो, लीज के टर्म्स एंड कंडीशंस को वो ब्रीच ना करता हो। अगर वो अपने एंड से सही है तो लेजर कभी भी इंटरप्ट नहीं करेगा कि तुम्हें इस डायरेक्शन में ही
लीज प्रॉपर्टी को यूज करना है। तो ये लेसी का राइट है कि वो पीसफुल एंजॉयमेंट कर सकता है ओवर इमूवेबल प्रॉपर्टी। ऑलराइट, तो ये तीन लाइबिलिटीज हैं किसके, लेजर के। पहला लाइबिलिटी टू डिस्क्लोज मटेरियल डिफेक्ट, दूसरा टू डिलीवर द पोजेशन इमीडिएटली एट द रिक्वेस्ट ऑफ लेजी, और तीसरा शुड नॉट इंटरप्ट। ऑलराइट, तो ये तीन लाइबिलिटीज हैं।